बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतज़ाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्टूडेंट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज जो है वो G17 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ मैं आपको, और इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा, मैप को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा और हर चीज़ जो है वो आपके सामने इस वीडियो में रखने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये CDA की वेबसाइट आपके सामने मौजूद है, ठीक है। जोन 2 के अंदर फॉल करता है सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसका टोटल एरिया है 2222 कनाल का है, ठीक है। रेजिडेंशियल प्लॉट इसमें 1806 हैं, ठीक है, और ये इशू किया गया था 25 तारीख तीसरे महीने की 2022 के अंदर, ठीक है। अब इस्लामाबाद के थोड़ा सा जो मैप है उसको थोड़ा सा हम देख लें, मास्टर प्लान जो है इस्लामाबाद का उसको थोड़ा सा अगर नज़र डाली जाए तो ये बेसिकली 5 जोन्स के अंदर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। जोन 1 जो है ये आपका आता है डिप्लोमेटिक इनक्लेव से लेके ये सीधा आपका जो है वो तकरीबन I-16 और G-14 तक ये आपका लगता है, ठीक है। इसके बाद जोन 2 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन भी इसके अंदर शो की जाएगी, यहीं पर ही G-17 जो है जो जोन 2 के अंदर अप्रूव हुआ है वो यहाँ पे फॉल कर रहा होगा। जोन 3 की बात की जाए तो ये मरगला की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है, शालादित्ता रोड और ये सारे चीज़ें जो है वो आपका आता है। फैसल मॉस भी जो है वो जोन 3 के अंदर आता है, फैसल मस्जिद और ये पूरा दामनिको, ये वाली साइड जो है आपका जोन 3 के अंदर फॉल कर रही होती है और ये यहाँ तक आपका अल्लाह भला करे मरी रोड को ये इन दी एंड आके ऐसे टकरा रहा होता है। तो ये जोन 3 आ गया आपका। जोन 4 की बात की जाए ये थोड़ा सा ये अपना पूरा सोहान खन्ना और तरलई ये वाली साइड जो है वो जोन फोर में आती है, ठीक है। जोन 5 की बात की जाए ये थोड़ा सा और मज़ीद साइड पे है, तो ये रवात वाली साइड और ये कहूटा रोड और ये सारी साइड जो है वो जोन 5 के अंदर फॉल करती है। ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा रावलपिंडी के अंदर आता है। तो ये बेसिकली कि जोन 5 जोन के ऊपर जो है वो ये एरिया बनता है इस्लामाबाद का, ठीक है। जोन 2 के अंदर G-17 फॉल कर रहा होता है, ये उसकी अप्रूवल का मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं ये मैप, मैप को थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने कुछ मेजर चीज़ें जो है वो इसके अंदर रखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके, ठीक है। सबसे पहले तो लैंड का थोड़ा सा देख लिया जाता है, जो हमने पहले उसमें भी देखा था वो हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। साइजेस देख लेते हैं कि प्लॉट बेसिकली ये मैप जो है वो G-17 1 और 2 का है, ठीक है। 3 और 4 को मैं इस वजह से पिच नहीं करता हूँ क्योंकि उसकी क्लैरिटी मौजूद नहीं है, 1 और 2 की क्लैरिटी मौजूद है। 1 के अंदर 50-90 के प्लॉट जो है वो टोटल आपके 265 जो है वो 50-90 साइज़ के हैं, 2 में कोई नहीं है। ऑड साइजेस थोड़ा सा ऑड होता है, ठीक है, वो हो सकता है 45-90 हो जाए या 45-95 हो जाए, तो वो थोड़े से ऑड साइजेस होते हैं। ऑड साइजेस G-17 1 में 8 है, ठीक है, 50-90 की कैटेगरी के साथ, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे जाके। 40-80 306 हैं, ये 35-70 218 हैं, 2 के अंदर ये 132 आते हैं, 40-80 2 G-72 के अंदर 50 हैं। तो ये सारे जितने भी प्लॉट्स हैं सारे लिमिटेड हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं 30-60 203 इसके G-17 1 के अंदर फॉल करते हैं। G-72 के अंदर 192 प्लॉट्स हैं, टोटल ये तकरीबन 395 हैं, ऑड साइज तकरीबन 31 है दोनों को मिला के, 25-50 जो है वो तकरीबन दोनों के मिला के अगर बात की जाए तो 361 है, ऑड साइज दोनों के मिलाए तो 117 होते हैं। तो टोटल जो प्लॉट्स हैं G-17 1 और 2 के जिनकी अप्रूवल्स है CDA की वो है 1806 प्लॉट्स। ये जो हैं 1806 प्लॉट्स ये लिमिटेड हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप जहन में रखें, और इस वजह से जो है वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब कोई एक दो भी मार्केट के अंदर बायर आता है तो वो थोड़ी सी चीज़ें जो है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती हैं, जब 2-3 कॉल्स जाती हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इसके बाद हम ऊपर जाके देख लेते हैं जी कि ये कलर्स में बेसिकली है, थोड़ा सा मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है, ठीक है। लैंड यूज़ की, लैंड का यूजेज क्या होगा मैप के ऊपर ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में आसानी हो सके, ये कलर्स हैं, ठीक है जी, और ये इस कलर का जो है 25-50 का ये कलर है, 30-60 का येलो कलर है, ये इस तरह से कलर्स हैं। कमर्शियल जो है वो ब्लू कलर का है, पार्किंग एरिया मस्जिद का येलो कलर डार्क में है, ठीक है, वॉक अवे है, एजुकेशन का अगर कोई है स्कूल वगैरह तो उसका ये कलर बनता है, रिजर्व लैंड ये है, अनपरचेज एरिया जो है वो ये है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो उसका इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है, और रेड जो है वो आपको शो करता है कि ये बाउंड्री है, तो विद इन द बाउंड्री जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही होंगी, ठीक है। तो ये हैं, बाकी सारी डिटेल में जाने से पहले मैं आपके सामने यहाँ पर आ जाता हूँ जी। अब ये आपका कश्मीर हाईवे, ठीक है, कश्मीर हाईवे G-17 ये आपका फॉल करता है, ये पूरा एक्सपेक्टेड है,
फ्यूचर में, जिस तरह से ये बाकी आप देख रहे हैं कि ये G17 G16 है, 15 है, ये पूरे ब्लॉक वाइज एक डायमेंशन के अंदर है सारे सेक्टर्स जितने भी CDA के बने हुए हैं। तो G17 की जो रेड में आप देख रहे हैं ये सारी अप्रूवल्स हैं, ये G17-1 और 2 की यही अप्रूवल्स हैं इस वक्त, और ये लैंड इनके पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, और जो अनपरचेज लैंड है वो भी कुछ इतलात के मुताबिक इन्होंने ख़रीद लिया हुआ है, जो कि विद इन द बाउंड्री है, जो विद इन द बाउंड्री है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका अप्रूवल है, और एक्सपेक्टेड अगर ये लेआउट मिल जाता है तो ये सारा आपको इस तरह से आप इसके अंदर वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फैसल टाउन आ जाता है जब आप जाते हैं तो, घर वगैरह आपको नज़र आते हैं, तो ये मेन कश्मीर वे हाईवे है, और ये 15, 16, 17 इस तरह से फॉल करता है, ये इस तरह से फिर पूरा जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक जाता है, ठीक है। अब जी आ जाते हैं मैप के ऊपर, तो मैप जो है सबसे पहले ये आपका श्रीनगर हाईवे आ गया, ठीक है, ये आपका एक्सेस बनता है, आप एक्सेस लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने कटिंग आ जाती है, ये पूरा जो है आप ये वाला जो पैच देख रहे हैं ये एक कनाल का है, ये आपका अनपरचेज एरिया है इस कलर के अंदर, और ये आपके ऑड साइजेस हैं जिसका जिक्र किया जा रहा था कि थोड़े से मुनफरद साइज़ होगा इसका, मतलब ये 50-90 का साइज़ नहीं होगा, 50-90 की कैटेगरी में थोड़ा सा ऑड साइज़ होगा, तो ये क्योंकि उनको पूरा प्लान करना होता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारे मामला आता है। ये सबसे पहला पार्क आता है, और इन एंट्रेंस के ऊपर आपको एक कमर्शियल मिलता है जो कि इस वक्त जो है वो फॉर सेल नहीं है, ये आपको एंट्रेंस में मस्जिद मिलती है, ये आपको जो है वो अलग अलग आपका 30-60 की कटिंग मिलती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है ना वो पूरा प्रॉपर आपका G17-1 की एंट्रेंस है, ये पूरा शेरशाह सूरी रोड। अच्छा, इसके अंदर अगर बात की जाए कैटेगरीज के हवाले से तो दो तीन ऑप्शंस मैं आपको बताता चलूँ कि जो कि शायद उस तरह से कंसीडर नहीं किए जा रहे इस वक्त मेरे अकॉर्डिंगली, लेकिन जब वो फ्यूचर में किए जाएंगे तो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो शेरशाह सूरी रोड ये एक मेन रोड है जो कि G17-1 के अंदर आता है, ठीक है, और इसके अलावा आपका ये सेकेंड रोड है, जितनी भी आप स्ट्रीट देख रहे हैं इस स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो आपको स्ट्रीट नज़र लिखा हुआ है, जबकि ये मेन रोड 44 है जो कि 70 फीट वाइड है, जबकि शेरशाह सूरी रोड 80 फीट वाइड है, और यहाँ पे आपका जो है एक मेन रोड आएगा वो 100 फीट है, वो इसमें शायद उस तरह से शो नहीं, ये रहा 70 फीट वो सर्विस रोड है, ये आपका ये तकरीबन मेरे ख्याल में 100 फीट है या 70 फीट भी है, तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। बाकी सारी जितनी भी आपको नज़र आ रही है वो 60 और 40 की मेजरमेंट की स्ट्रीट्स मौजूद हैं, तो ये सारे प्लॉट सबसे ज़्यादा वर्थी इस इनकी वैल्यू होगी फ्यूचर में जो इसको लग रहे होंगे, ये जाहिर सी बात है एंट्रेंस के ऊपर हैं तो ये सारी वैल्यूएबल चीज़ें, और ये चीज़ जो है ये आपकी वैल्यूएबल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे अगर इन्वेंट्री की बात की जाए तो जैसे बिल्कुल एडजस्टेंट है, जबकि यहाँ और यहाँ में तकरीबन 7 से 10 लाख का डिफरेंस है, और ये तकरीबन 14 मरले की कटिंग है, 40-80 की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जैसे ये प्लॉट हैं, ये कुछ प्लॉट्स हैं यहाँ पे जो कि सेल आउट तकरीबन अभी में कुछ दिनों पहले जो है वो तकरीबन 1 10 और 1 15 के ब्रैकेट के अंदर सेल आउट हुए हैं, क्योंकि अब डबल कैटेगरी थी पार्क के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे ये जो पैच है ये वाला जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये वाला तकरीबन अराउंड ये थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलप नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ये डेवलप होना है, यहाँ पे अभी एक वो कुछ चोटी टाइप की बनी भी है, ठीक है, उसको स्ट्रेट करेंगे तो ये वाले प्लॉट्स जो कि अभी शायद आपको थोड़े से मुनासिब रेट में मिल जाए कंपैरेटिवली इनके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। जबकि पूरा G17-1 की बात की जाए तो इस एरिया को छोड़ के मेरे ख्याल में आपको तकरीबन ये एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया छोड़ दें अगर आप, सही है, और ये वाला एरिया छोड़ दें आप, इसको छोड़ के सारी चीज़ें जो है वो आपको वाजे मिलती हैं, आपको प्लॉट नंबर जो है वो आप अंदाजे के साथ जाके लोकेशन पे खड़े होके आप प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। G17-1 के अंदर ये सिचुएशन है। G17-2 की बात की जाए तो अभी वहाँ पे उस तरह से डेवलपमेंट का आगाज़ नहीं हुआ है प्रॉपरली, सारा काम जो है वो G17-1 के अंदर हो रहा है, लिमिटेड इन्वेंट्री है, कोई भी चीज़ आप ले रहे होंगे सॉलिड चीज़ अगर आप ले रहे होंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, और उसी को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। बाकी ये आपके कमर्शियल एरिया है 1 के अंदर, एक ये कमर्शियल एरिया है और आपका ये एक कमर्शियल एरिया है, तो ये तीन कमर्शियल एरियाज़ हैं, इनकी पार्किंग ईच एंड एवरीथिंग जो है वो जो है कि इसके ऊपर बन रही है, ये देखें पार्किंग वगैरह, तो ये इस तरह ये थोड़े से कमर्शियल्स आ गए दो, और ये मरकज़ टाइप का जो कि कॉन्सेप्ट है फ्यूचर में अगर, क्योंकि G17-1 ये है, ठीक है, 2 ये है, 3 होगा तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पर आएगा, 4 जो एक्सपेक्टेड है वो होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। तो 3 और 4 तो अभी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, बाकी ये फ्यूचर एक्सटेंशन है, ठीक है, ये वो प्लॉट्स यहाँ पे आएंगे जो कि बैलेटेड नहीं है, जो कि फ्यूचर में जाके बैलेट होंगे जब भी बैलेट होगा, ठीक है।
तो ये यहाँ पे फ्यूचर एक्सटेंशन आ जाएगी। मेजॉरिटी जो है वो आपका टू के अंदर फॉल करेगा, क्योंकि टू के बहुत सारे चीज़ें जो अभी आनी है फ्यूचर में, तो बाकी जो मिनिमम है वो आपका वन के अंदर फॉल हो रहा होगा। और ये जो रेड लाइन है, ठीक है, जब आप विजिट करेंगे या हमने कुछ, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट लगा दूँ, इस एरिए के अंदर कुछ घर वगैरह बने हुए हैं, कुछ रिहायशी हैं, तो अगर उनका डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो जाता है तो जो एक्सपेक्टेड प्रपोज प्लान होगा वो इस तरह से होगा कि ये कनेक्टिविटी पूरी स्ट्रीट बन के जाए अगर इनको फ्यूचर में मिल जाता है या जो भी वो करते हैं मामला, और ये इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे भी फिर बाकी फ्यूचर एक्सटेंशन के बाद ये रोड भी बड़ा हो जाएगा, ये 100 फीट का ये रोड है, ठीक है, सबसे बड़ा, ये इंटरसेक्ट करेगा बेसिकली वन और टू को आपस के अंदर, ठीक है। तो एरिया की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ओवरऑल G17-1 के अंदर हर प्लॉट की एक अपनी जो है वो वर्थ और वैल्यू है। जैसे कि अगर आप इन स्ट्रीट की बात की जाए तो ये भी बड़ी वैल्यूएबल स्ट्रीट्स हैं, ये वाली नहीं, ये थोड़ी सी कम वैल्यूएबल है, क्योंकि ये आपने घूम के इस तरह से जाना है, जो यहाँ से डायरेक्ट शेषासूरी से कनेक्ट करी होंगी उनकी वैल्यू में जो है वो थोड़ी सी फ्यूचर में आपको एक्सेस ईजी होगा, तो वो थोड़ी सी जगह आपकी वैल्यूएबल होगी। कंपेरेटिवली रेट्स का अगर मुआवजा किया जाए तो G17 के जो रेट्स हैं वो अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और अच्छे मुनासिब रेट में आपको चीज़ मिल रही है। दिसंबर में इन्होंने जो है वो पोजेशन देना था, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर सॉफ्ट पोजेशन भी अनाउंस करते हैं तो चीज़ें आप देखेंगे कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हो जाएंगी। जबकि आप दूसरी जानब अगर देखते हैं G16 की बात की जाए, वहाँ पर 7 मरले का प्लॉट तकरीबन 1.5 करोड़ के अराउंड मिलता है आपको ऑन स्पॉट, और यहाँ पर आपको अच्छी लोकेशन का 1.5 करोड़ के अंदर जो है वो मुनासिब लोकेशन, अच्छी लोकेशन का, बल्कि आपको 1.5 करोड़ के अंदर अंदर तकरीबन 1 करोड़ आजकल की जो मार्केट है उसके हिसाब से 1.2 करोड़ में 14 मरला आप में ले लेंगे 40-80 का, जो कि आपको हो सकता है कैटेगरी के अंदर ही जो आपको मिल जाए, अगर उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर मैटर करता है। अवेलेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इन्वेंट्री है वो मोस्टली 2-3 किस्म की चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जो ये सॉलिड चीज़ों की बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं कोई भी ओपन फाइल और उनको उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा। जो सॉलिड इन्वेंट्री मौजूद होती है आपके पास वो होती है लिमिटेड, कुछ है जो कि डेवलपर्स की चीज़ें होती हैं, जो डेवलपर्स के पास होती हैं वो अगर आपको मिलेगी तो उसके अंदर आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट जो है वो मिनिमल हो जाएगी, और इनफैक्ट ना होने के बराबर हो जाएगी। लेट सपोज़ मैं 14 मरले की एग्जाम्पल दूँ, तो अगर आप किसी इंडिविजुअल से वो चीज़ अब प्लॉट खरीद रहे होंगे तो तकरीबन अराउंड 3 लाख रुपए का आपका ट्रांसफ़र एक्सपेंस आएगा, विद इंक्लूडिंग टैक्स और जो भी ट्रांसफ़र कॉस्ट है उन सबको मिला के, ठीक है, 3% टैक्स बनता है जो कि उनकी वैल्यू डिफाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंगली, और तकरीबन मेजरमेंट के बाद जो है वो 50 रुपये के कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ टैक्स वो बनता है, ट्रांसफर फीस बनती है, वो सारी मिला के। जबकि डेवलपर्स से अगर आप ले रहे होंगे तो तकरीबन अराउंड 25-30 हज़ार रुपये ट्रांसफर एक्सपेंस आएगा, और वो आपके पास फर्स्ट ट्रांसफर होगा, उसके बाद आप किसी को भी बेचेंगे तो वो सेकंड ट्रांसफर में जाएगा। तो वो कुछ सॉलिड चीज़ें होती हैं वो डेवलपर की होती हैं, जो आपके पास इंडिविजुअल की होती हैं, इंडिविजुअल्स की चीज़ों में आपको ट्रांसफर अलाउंस जो है, ट्रांसफर एक्सपेंस जो है वो देना हो रहा होता है, तो वो थोड़ी सी इस वजह से ऊपर नीचे हो जाती हैं। इनमें ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है, डेवलपर की फाइल लेनी है आपने या फिर आपने किसी इंडिविजुअल की लेनी है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू में या किसी किस्म का कोई मसला होगा, इक्वली वैल्यूएबल होंगी। डिपेंड वही करता है कि कौन सी लोकेशन का प्लॉट है, कहाँ पे वो लोकेट करता है और कहाँ पे जो है वो प्लॉट होना चाहिए, ठीक है। और इस हवाले से बाकी फर्दर आपको जो डिटेल्स हैं, आपको विजिट करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप हमें बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे ज़्यादा दीजिए, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारामद साबित होगी, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने इसमें बताने की कोशिश की थी वो एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।